This is Neeraj Garg and you are watching class 10th chapter 3 pair of linear equation in two variables exercise 3.3. A fraction becomes 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 upon 6. Find the fraction. ठीक है, फ्रैक्शन हमें फाइंड करना है. सबसे पहले हम इसमें लेट करेंगे कि लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई. अब हमसे बोला है कि अ फ्रैक्शन बिकम्स 9 अपॉन 11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो हमने क्या करना है, एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2, दोनों में 2 ऐड कर दिया और हमारा फ्रैक्शन आ गया 9 अपॉन 11. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई. सिमिलरली आगे कहते हैं कि इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. अब हमने x प्लस 3 और y प्लस 3 करना है, दैट इज इक्वल टू 5/6. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 11x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 9y प्लस 2. और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 दैट इज इक्वल टू 9y प्लस 18. और 11x इज इक्वल टू 9y प्लस 18 माइनस के 22, देन 9y माइनस के 4, ये आ गया 11x. देन x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9y माइनस 4 अपॉन 11. ठीक है, ये हमारी x की एक वैल्यू आ गई. इसको हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं. और अब हम इस सेकेंड इक्वेशन को पहले थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, सेकेंड इक्वेशन को. ठीक है, फिर हम x की वैल्यू उसमें पुट करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी हम 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 3. ठीक है, और अब हम x की जगह पर इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 6 9y माइनस 4 अपॉन 11 प्लस 3 इज इक्वल टू 5y प्लस 15. राइट, ब्रैकेट ओपन करें. ब्रैकेट ओपन करने से पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं. ये हो जाएगा 11 और ये आ गया 9y माइनस 4 और प्लस के 33. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5y प्लस 15. देन ये 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये आ जाएगा 6 9 54 y. और ये माइनस के 4 और प्लस के 33, माइनस के 4 और प्लस के 33 कितना बचेगा, ये बचेगा हमारे पास 29. ठीक है, और इस 29 को हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है इंटू 6. तो ये मल्टीप्लाई करके आ जाएगा हमारा 6 9 54 5 एंड 6 2 12 174. ठीक है, तो ये प्लस के 174 आ गया अपॉन 11, दैट इज इक्वल टू 5y प्लस 15. को जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 54y प्लस 174 इज इक्वल टू 11. इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 55y प्लस 15 इंटू 11 165. ठीक है, इस 55y को इधर ले आएंगे तो ये 54y माइनस 55y दैट इज इक्वल टू 165 माइनस 174. या माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 9 और ये वाई से माइनस कैंसिल और वाई इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 9. ठीक है, इस वाई की वैल्यू को हम किस में पुट करेंगे, पुटिंग इन 3. राइट, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन 11. इसके अंदर हमने पुट किया है इसके अंदर. ठीक है, और 9 9 81 81 माइनस 4 कितना आया हमारा, 81 में से 4 माइनस किया 77, 77 अपॉन 11 एक्स की वैल्यू. देन 11 से कैंसिल हो गया 7, तो एक्स इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 7. राइट, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू, हमें फ्रैक्शन फाइंड करना था, यहाँ नहीं छोड़ना है, फ्रैक्शन फाइंड करना है, दैट इज एक्स अपॉन वाई, मतलब कि 7/9. ये हमारा फाइनल आंसर होगा. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें. अगर आपको और वीडियोस देखनी है इस चैप्टर की या दूसरे चैप्टर्स की MCQs देखने हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं. ऑल द बेस्ट.